أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفد ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون इंतहाई कलील वक्त में कुछ बुनियादी बातें मुझे आपके सामने रखनी हैं दरख्वास्त ये है कि बातों को तवज्जो से सुने जो बातें अमल से मुतल हों पर अमल पैरा होने की भरपूर कोशिश करें अल्लाह मुझे आप सबको इसकी तोफ़ी अता करे अमीन अबल आलमीन अनवान जो मेरा है वह है फ़ित न वल तफरकी अच्छी तरह से आप ये जानते हैं कि माशरे में जब फितना आम होता है बपा होता है बरपा होता है तो दुश्मनों को इसके ज़रिए तकवीत हासिल होती है वो कवि बन जाते हैं और मुसलमानों में दिन बदिन कमज़ोरी बढ़ती जाती है इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान इंतशार इतराक़ अख्तिलाफ़ को बालाए ताक रखें कोशिश करें कि मिलजुल करके अलाय कलीमतुल्ला की खातिर काम होता रहे और वैसे भी आप जानते हैं जितने मरहूमिन होते हैं वो कभी इख्तलाफ नहीं करते और जितने महरूमिन होते हैं वो अख्तिला करते हैं, अल्लाह ने तुरन मजीद में इसके हवाले से बयान फरमाया वल उ और अबू केद रब का रहम जिस पर हो जो मरहूम हो जाए मरहूम से मुरादी यहाँ वो नहीं है जो मर करके कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं जिनके साथ रहम का मामला किया गया जो मरहूम है या मरहूम है वह इख्तलाफ़ नहीं करते वो इतफ़ाक़ करते हैं और जो महरूम है जिनको महरूम कर दिया गया रहमत से उनका वतीरा होता है कि वो बात बात पर इख्तलाफ करें और वो इंतशार बपा करें और अल्लाह की रहमत से दूर रहने की कोशिशें काविशैया अल्लाह की रहमत से दूर रहने का रवैया अपनाएं ये उनका मिजाज होता है या उनकी तबीयत होती है मैंने दलील में आयत करीमा पेश कर दी वाल उबुक दूसरी बात जो इंतहाई अहमियत की हामिल है सुनवान के हवाले से वो ये कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने बाद फितनों के रूनुमा होने के सिलसिले में लोगों को बाखबर किया है लोगों को आगाह किया है आप ने। बहुत सारी रिवायतें हैं मैं तीन रिवायतों का तस्करा करूंगा शेख अल्वानी रही ने अपने सिलसिला में और सिलसिला तो सही हमें उसका तस्करा किया है -e -abu anhu, कहते हैं, कि के ने फरमायान अख्तिला अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बात तुम्हें सामना फितनों का होगा अख्तिलाफ़ात का तुम्हें सामना होगा ना या रसूल अल्लाह हमने कहा अल्लाह के रसूल हमारे लिए उस वक्त हमको क्या करना होगा आपकी नसीहत और वसीयत क्या है आप सलाम ने नसीहत करते हुए कहाँ की रजीलब है आपने कहा अमीन को और उनके असहाब को लाजिम पकड़ना तुम्हारे लिए जरूरी है लिहाजा इस हदीस में अल्लाह के नबीम ने अपने बाद फरों के रूनमा होने या उनके बपा व बरपा होने का तजकरा किया है उसका इजहार किया है एक दूसरी बड़ी तरी तवील रिवायत है उसमें अल्लाह के नबीम ने وضاحت وزاهدك يا ابن فرمایا انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ابن كاميري بعد पहले कुछ और नसीहतें हैं के नबी की, की सदीस में लेकिन मेरा मौजू उस मौजू से मुतल जो जुमला जो कलीमा जो है मुताबकत कर रखता है या जो है मेरे मौजू से मुतल है मैं उसको पेश कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त बड़ा कलील है सारी रिवायत की सारी बातें सारी शिकों पर तफसली गुफगु नहीं हो सकती आपने क्या कहा न हो आयन खुमी मेरे बात तुम्हें जो ज़िंदा रहेगा जीता रहेगा वो बहुत ज़्यादा इख्तिला को देखेगा उस जमाने में इलाफ से बचने के लिए मेरी सुन्नत को खुल्फ राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो और बद से इजनाव किया करो अल्लाह के नबी ने यहाँ इसका इस हदीस में हल भी दिया है एक तीसरी रिवायत अल्लाह के नबी वसलम की भी है तवील रिवायत है उसमें तो पहले कुछ कलीमा है यहूद नसारा के हवाले से इस उम्मत के हवाले से आपने बयान फरमाया उम्मती अला फिर फिल वाह जरूर बिजर मेरी उम्मत तिहत्तर फिरकों में तकसीम हो जाएगी ये देखिए आपने कितनी बड़ी बात बयान की एक नहीं दो नहीं हालांकि यहूद इकहत्तर थे तो नसारा बहत्तर में तो ये तिहत्तर फिरकों में तकसीम होंगे उसके बाद कहा वाहिद एक जन्नत के मुस्तक होने वाला फिर होगा उसके बाद आपने कहा वह सब और बहत्तर जहनम रसीद होंगे मैं अपने लिए आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि वो एक जो जन्नत का मुस्क होने वाला है अल्लाह ताला हम सब का शुमार उसमें फरमाए बहरहाल ये तीन रिवायतें अभी मैंने पेश की हैं कि नबी ने अपनी ज़िंदगी में अपने बाद इलाफात के रून होने का तजकरा किया उसको वाज किया है अफराद के सामने अब के सामने उसे पेश किया है उसे बयान किया है ये पेशीन गोई है पेशन गोई है पेश गोई है वक्त से पहले आ गई है जो भी आप इसको समझें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की इसका यह मतलब नहीं है कि इन हदीसों की बुनियाद पर हम इख्तलाफ करें हरगिज इसका यह बुनियाद नहीं है बल्कि हम इसके बरक्स काम इसलिए करें कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तराक से मना किया है इफ्तराक से रोका है कई दलीलें इस सिलसिले में किताब व सुन्नत की आपको मिल सकती हैं। चंद दलीलों का मैं तस्करा करूंगा और अहम बातों की तरफ आकर के अपनी बात को मुकम्मल करूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फरमायाकू यह पहली दलील है सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो इराक का शिकार ना होना तफरकाबाजी ना करो उसके बाद एक और मकाम पर अल्लाह रबीन ने कुरान मजीद में फरमायादी

من من الذين الذين فرقوا فرقوا دينهم دينهم وكانوا كل حزب بما لديهم فرحون जो तकसीम हो गए उन लोगों की तरह तुम ना, ना हो जाना हर गरो खुश है इस बात को लेकर वो जो कुछ किया या जो कुछ करता है वो ठीक कर रहा है लिहाजा इस एतबार से अल्लाह रबी ने इस आयत करीमा मना किया है तो जो पेशीन गोइयाँ थीं उनकी बुनियाद पर इख्तलाफ करना ये अक्लमंदी नहीं अल्लाह उसके रसूल ने जो मुमानात अल्लाह और उसके रसूल से जो ममानात वारिद हुई है उसकी बुनियाद पर इंतशार से बचना अख्तिलाफ से महफूज रहना ये मुसलमान के लिए जरूरी है अल्लाह के नबी और भी बहुत सारी आयात हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराम भी सुनते चलें अल्लाह के नबी का एक बड़ा प्यारा फरमान है आपने बयान फरमाया अलैकुम कु बिल जमा पानी चाहिए अलैकुम कुम बिलजमा وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة يدكي الله كنبيك فرمان كتنا عمداه عليكم بالجماعة ضرورية تمہارے لئے اجتماعیت کو لازم پکرنا جماعت کے ساتھ رہنا اجتماعیت کے ساتھ رہنا افتراق سے اجتناب کرنا وَإِيَّاكُمُ وَالْفُرْقَةُ اپنے آپ افتراق سے محفوظ رکھو फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत में बयान फरमाते हैं कि शैतान एक के साथ होता है दो जब होते हैं तो शैतान दूरी इख्तियार कर लेता है अब जिस आदमी की ये ख्वाहिश है कि वसत जन्नत उसको चाहिए जन्नत का दरमियानी हिस्सा उसको चाहिए एक तो जन्नत में دخول बहुत बड़ी बात है फिर वसत जन्नत मिल जाए और बड़ी नेमत है जिस आदमी की ये ख्वाहिश है मन अरदा बुहुहुत अल जन्नत वसत जन्नत जिसको चाहिए उसको एक काम करना है वो क्या है फल जरूर जरूरी है कि वह जमात को लाजिम पकड़े ये अल्लाह के नबी का फरमान है दूसरा फरमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है अल्लाह के नबी का फरमान ये है यह हैदब जमात रहमत है और फिरका बंदी ये अल्लाह ताला का तदाब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा तीसरा फरमान प्यारा है उसमें अल्लाह के नबी ने कहा ला नख्तलीफू

इसे इसे मना किया गया इसे रोका गया ला तखन तुम्लाफ इफ ना करो इसलिए कि पहले के लोगों ने जो तुमसे पहले थे उन्होंने इख्तलाफ किया तो हलाक हो गए लिहाजा ये दो बातें हो गई पहली बात तो यह कि नबी ने वक्त अपनी जिंदगी में पेशीन गोई की दूसरी बात यह कि अल्लाह उसके रसूल ने इख्तलाफ से रोका है मना किया है तो मुसलमानों को रुकना चाहिए इससे बाज आना चाहिए इससे गुरेज करना चाहिए इख्ताफ व इंतशार से इजतनाब करना चाहिए अब तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ इत्तेफाक कायम रहे इतिहाद रहे मिल जुल करके हम रहे इसके लिए कुछ बुनियादी तौर पर हमारे बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ मराकज होते हैं जहाँ जाने से ये झलकता है ये नज़र आता है ये महसूस होता है कि वाकई ये जगह या ऐसे मकामा मुसलमानों के इतिहादी मराकज हैं इतफाकी मराक हैं यहाँ पहुँच करके तो कम अज कम दिलों की सफाई होनी चाहिए इतिहाद हकीकी कायम होना चाहिए उन तमाम मराकज में या बहुत से मराकज में मसाजिद इतिहादी मराकज हैं यहाँ इतिहाद होता है आप देखें इस सिलसिले में बड़ी प्यारी रिवायत अल्लाह के नबी वसलम की है दखल रसूल

कि तुम टोलियों में जुदा जुदा बैठे हुए हो लिहाजा ये टोलियों में मस्जिद में भी हल्कों की शक्ल में जुदा जुदा बैठना अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया हाँ अगर मौजूद अलग हैं और वहाँ इल्म अलग, अलग अलग हल्के कायम करके हल्के चलाते हैं इसकी गुंजाइश है एक ही मौजू है एक ही खतीब है ऐसे मौके पर आप यहाँ हल्का वहाँ हल्का वहाँ हल्का, हल्का ये आदाब मजलिस भी नहीं है लिहाजा ये कहा गया कि खतीब से करीब होकर के मिल करके आपको रहना है ये मकाम इतिहाद है यहाँ इतिहाद का दर्श मिलता है जुड़ करके रहने का सबक मिलता है और जुड़ करके रहने का सबक हासिल करना चाहिए वो हदीस बहुत मारूफ है ना जिसमें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लफ्ज पर बड़ी अच्छी बहस की मज ये जो इजिमा है ना इजमा जिसमो का नहीं ये तो होता ही है यहाँ सारे जिसम तो जमा है लिहाजा अब हमारे यहाँ इज्तिमा जो हो रहा है वो जिसमों का इज्तिमा है सारे जिसम जमा हो गए हमने कहा इत्याद हो गया नहीं मैं जितना की सकीनत अल्लाह की रहमत का मुस्तक अगर होना है तो लिहाजा इज्तम होना चाहिए इज्तिमा हकी क्या है दिलों के अंदर जो है हमारे कदूरतें जो है वो खत्म हो जाए इजमा कलूब का हो सिर्फ जसत का इज्तिमा नहीं होना चाहिए आज तो मामला इज्तिमा से भी जरा आगे का हो गया वो क्या इज्तिमा वो इज्तिमा क्या है सिर्फ सुनना कान लगा करके सुनना बगौर सुनना कहने वाले का काम कहना है सुनने वालों का काम सुनना है नशिस्त बर्खास्त हो जाए सब अपनी अपनी राह ले लेते हैं वरना कुरान ने तो जो बात कही थी वो क्या वजह किर

इस मजलिस को इख्तियार कर गया लिहा उस शकी की भी मकफीत इसलिए हो जाती है कि कारों की मजलिस इख्तियार करने वाला भी इस लायक है कि उसे बख्शा जाए उसे मुआफ कर दिया जाए तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि ये जो मराकज हमारे हैं इन मराकज में पहुँचने के बाद हकीकी इजतम हमारा हो क़ुलूब का अजमा हमारा हो इंतार के ख़ात्मे के लिए बुनियादी जगह है यहाँ से इतफ़ाक़ की शक्ल कायम होनी चाहिए बल्कि आप ये देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी साहबा कराम की सफ़ों को दुरुस्त करने लगते तो उस मौके पर कई मुख्तलिफ़ रवायात में मुख्तलिफाज के साथ रिवायतें आई हैं उसमें एक लफ्ज ये भी रिवायत में आया देखिए आप यहां कुलूब की बात नहीं कर रहे हैं बेई ना उजू ही कुम आई बे ना कुलूब ही कुम अगर तुम अपने सफों को टेढ़ा रखोगे सफेद दुरुस्त नहीं करोगे मिल करके खड़े नहीं रहोगे अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में जो इंतजार पैदा कर देगा तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस मकाम से हम जो असल रूह है वो हासिल करने की हमेशा कोशिश करें मसाजिद को बनाने का मकसद ये होता है कि अल्लाह की इबादत हो अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए मसाजिद बनाने का मकसद ये होता है इबादत के हवाले से मुहिदीन तोहद की बुनियाद पर हमेशा मुतहिद रहें मुतफिक रहें मुख्तलफ ना हों इसलिए मसाजिद बनाई जाती हैं इफ्तराक के लिए नहीं इतफाक की बहाली के लिए हाँ कुछ ऐसे माशरे में होते हैं नबी के जमाने में भी ऐसे थे कुछ जिन्होंने मस्जिद भी बनाई थी और मस्जिद बनाने का मकसद भी इफ्तराक था कुरान में अल्लाह कहते हैं المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله चार मकासद थे उनके जिसके लिए उन्होंने मस्जिद बनाई थी उस मस्जिद को मस्जिद दरार के नाम से जाना जाता है तकलीफ देने के लिए मस्जिद बनाई गई दूसरा कुफर के लिए कुफर को आम करने के लिए मस्जिद बनाई गई वरारा व कुफरा व तफरीकम बल मोमिन मोमिनों के दरमियान तफरीक की घर से मस्जिद को जय तमीर किया गया वह इरसादन व रसूल अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जो लोग जंग करने वाले हैं उनको पनाह देने की खातिर मस्जिद बनाई गई थी लिहाजा क्या हुआ उस मस्जिद का हाल है मस्जिद इबादत के लिए वज़ाहिर लोगों में यही मारूफ है कि अल्लाह का घर है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीम तबूक से वापसी के मौके पर वही जब आप पर नाजिल हुई हकीकत जो है वाजे हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब को भेज कर आग लगवा करके उस मस्जिद को मिसमार करवाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मकासद में से एक मकसद क्या है बैन अल तफरीन मोमिनों के दरमियान मुसलमानों के दरमियान तफरीक करना यह असल में जो है मकसद था इस हवाले से मैं कहने जा रहा था कि यहां ये जो मरकजी मकाम है या जो मसाजिद हमारे हैं यहां हम दिन में या चौबीस घंटों में पांच वक्त वक्त मुक्रा पर आकर के इज्तिमाियत का सबूत देते हैं वैसे भी नवाफिल अफजल कहाँ है घरों में अफजल हैं और फराइज मसाजिद में आकर के आपको इस्तेमालियत का सबूत देना है लिहाजा यहां आए आकर के अपने जसद के साथ अपने कलूब के अंदर जो है उल्फत एक दूसरे के लिए पैदा करने की कोशिश करें बहरहाल ये दो बातें थी अब तीसरी बात और चौथी बात के बाद इसका मैं इलाज क्या है बताकर अपनी जगह ले लेता हूं इस्बाब क्या है वो वजूहत क्या है जिनकी वजह से इख्तिलाफ हमारे यहाँ आ दिन आए दिन बढ़ता जा रहा है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है कमी वाकई नहीं होती बहुत सारे असबाब में पहला और बड़ा सबब बुनियादी सबब शैतान से दोस्ती है हमारी दोस्ती शैतान से अहले ईमान तो हमें दोस्ती के लिए उतने पसंद नहीं देखिए मैं अगर बात यह हम की कह रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि यहां सारे ये यह मामला कर रहे हैं जब यह खिताब हो रहा है महफूज हो रहा है तो दुनिया में पता नहीं कहां कहां इस तरह की शक्लें हैं तमाम जगहों पर यह चीज़ कार आमद हो इसीलिए हम हम के अल्फाज के साथ ये बात कह रहे हैं तो लिहाजा अपनी ज़ात पर आप अपने आप पर लेकर के कहें कि मुतलक मुझे कहा गया ऐसा नहीं है एक उम्र बात है अगर किसी में मर्ज है तो अपना इलाज करे तो लिहाजा शैतान से दोस्ती अल्लाह के नबी का बड़ा प्यारा फरमान काफिरों के सिलसिले में नहीं यहूद के सिलसिले में नहीं नसारा के सिलसिले में नहीं मुशर के सिलसिले में नहीं ये जो नमाजी बैठे हम और आप हमारे सिलसिले में नबी का फरमान था क्या फरमाया नबी नेहमुसून ठीक है नबी उस वक्त खिताब करते हुए कह रहे हैं फी भाई शैतान इस बात से मायूस हो गया है किस बात से मायूस हो गया है कि अबूदहुल मुसलून के मुसल्ल जो नमाजी हैं परहेजगार हैं इबादत गुजार हैं वो उसकी इबादत करें इससे अब मायूस है वो ठीक है इबादत नहीं करेंगे ना आप शिरक तो नहीं करेंगे इतने पक्के और अच्छे मुहिदीन हैं माशा है ने अकीदों पर इतनी गुफ्तगु की कि हमारे अकीद में हद तक, तक जो है वो जो है कि निखार आ गया या उसकी उसकी जो है हम तकवियत करने वालों में से हो गए खिताबात को सुनकर के ठीक है लेकिन आगे क्या हवा किन फिरी शिपिन वो तुम्हारे दरमियान क्या करेगा अगर शिरक का दरवाजा बंद कर लिया है आप लोगों ने या शिरक नहीं है तो लिहाजा इख्तलाफ का दरवाजा खोलेगा वो फुरुआत को लेकर के दीगर मसाइल को लेकर के हमारे यहाँ बाज ऐसे अहबाब भी नजर आते हैं माशरे में कि रिवायत ही सही नहीं है लेकिन उसको लेकर के दो दो ग्रुप बन जाते हैं उसको लेकर के दो दो जमातें हो जाती हैं उसको लेकर के जो है अलग अलग नज़रियात कायम हो जाते हैं इंतजार होता है और हमारी सारी तवानाई हम उसमें सर्व कर देते हैं जबकि मुहदसिन के नज़दीक अहले एल इल्म के नज़दीक वो रिवायत सनदन ठीक भी नहीं होती अजीब मसला है तो लिहाजा इस एबार से इस बात को जहन में रखने की जरूरत है कि शैतान से दोस्ती ना हो और ऐसे फितने जहां कहीं पैदा हो तो महसूस ये करें नजर ना आने वाला हमारा दुश्मन उसकी ये कार्तानी है हम अहले इल्म से मसाइल के हल के लिए रुजू करके उसको जलील करेंगे उसको रसुआ करेंगे और अल्लाह के इस फरमान को पूरा करेंगे अल्लाह का फरमान क्या है या शैतान के नक्श कदम पर न चलो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है बहरहाल वक्त करीब करीब करीबलखत्म है और बहुत सारे इसबाब हैं दूसरा सबब क्या है हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा सबब है ये भी एक बुनियादी सबब है आदमुल इखलास हमारे यहाँ इखलास की बड़ी कमी है हमको वक्ती शोहरत चाहिए फौरी शोहरत चाहिए और अलफ़ौर चाहिए अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए अजीब मसला है हमारा जबकि हुक्म क्या दिया गया नमाज कायम कर करें, करें। जक़ात देते रहें यही रास्त दीन है यही दुरुस्त दीन है इखलास के हवाले से बहुत सारी आयात हैं जो आप लोगों के इल्म में है तो बहरहाल दूसरा सबब हमारे यहाँ इख्तलाफा के ज्यादा जो है पनपने का या उसके

बहुत कमजोर होते गए बड़ी कमजोरी में आती गई मामले में सच्चा होना चाहिए सच्ची गवाही मोहम्मद अल्लाह का फरमान किया खून आप देखें अल्लाह के नबी का फरमान किया तो क्या दवा किया उसके जो शराइत है ना उन शराइत में एक शर्त क्या है सिद्क लिहाजा ये बहुत बुनियादी चीज है जरूरी है कि हम जो दावा करते हैं या हमने जो इकरार किया है उस इकरार पर हम कायम रहें और साबित करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची महबत और अल्लाह रबालमीन से सच्ची महबत का सबूत फ्राहम करें नबी की इतबा से अल्लाह सच्ची मोहब्बत का सबूत फ्राहम होगा

तो अपना मिजाज अपनी तबीयत ये बना ली कि जब कहूंगा सच कहूंगा दुरुस्त कहूंगा हकीकी बात कहूंगा मौत तक उन्होंने अहल इल्म कहते हैं कि झूठ नहीं कहा हत्या के तौरिये का भी इस्तेमाल नहीं किया है तौरिया भी नहीं इससे भी आ गए यहां तक कहा गया कि इन्होंने फैसला कर लिया जब तक मैं अपने आंखों से अपना जो फैसला जन्नत और जहन्नम का है उसका दीदार न कर लूं उस वक्त तक मैं मुस्कुराऊंगा नहीं हंसूंगा नहीं मौत के वक्त ही इनकी मुस्कुराहट देखी गई उससे पहले कभी मुस्कुराते हुए इनको देखा नहीं गया क्या इसका मतलब ये हराम है हंसना हराम वगैरह नहीं है अपनी जात को लेकर के जोहद है ये कोशिश है लिहाजा आप इस तरह की कोशिशें काविशें करें मश्क करें लिहाजा इस हवाले से जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के रसूल की सच्ची इतबा में जो है आगे आगे और पेश में पे रहें मजीद जो है इस्बाब में से एक बड़ा सबब हमारे यहाँ फितरों के बरपा होने या बपा होने या आम होने के सिलसिले में लिल्म लिल्म। इल्म की बहुत कमी और यह क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है जहालत बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी अब इतनी ज्यादा जिदालत आम हो गई है इल्म के लिबास में इल्म के लिबास में लोग जहालत को आम कर रहे हैं कभी कभी ऐसा दिखता है कि ये असल में दुआत अबुआ भी जहन्नम है क्या है ये जहन्नम के दरवाजों पर खड़े होकर के दावत का काम कर रहे हैं कबूल करेगा तो आदमी जाएगा कहां जहन्नम ही में जाएगा लिहाजा अखलास की जरूरत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तौर पर सच्ची इतबा और इताद की जरूरत है शैतान की जहताबेदारी से रुकने की जरूरत है और साथ ही साथ इल्म को हासिल करना इल्म में इजाफे के लिए कोशिशें करने की जरूरत है बहरहाल इस सिलसिले में बहुत सारी बातें और बयान की जा सकती हैं एक और बात फ़िल्लाह दीनी भाई इसका मतलब क्या है दीनी भाई मेरे लिए कितना फायदा मंद हो सकता है इसकी हकीकत को हम जानते नहीं या इसमें भी हम बहुत कमजोर हैं ये हमारे इख्तिला के बढ़ोतरी के लिए एक सबब है भाई हमारा दीनी भाई खूनी भाई से ज्यादा फायदा मंद है हमारे लिए लेकिन हमारे यहाँ हमारे यहाँ खून को अहमियत है हमारे यहाँ खानदान को अहमियत है हमारे यहाँ रिश्ते नाते को अहमियत है हम उसकी बुनियाद पर फैसले करेंगे इन नाकुमी अतका अल्लाह के नजदीक मकाम वाला तकवे वाला है लिहाजा तकवा बुनियाद है तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम दीनी भाई का कितना फायदा हो सकता है दुनिया में अगर हम उससे अपना ताल्लुक बनाए रखें, तो यह ज्यादा कार चीज होगी इसीलिए अल्लाह अल्लाहन ने कुरान मजीद में बयान फरमायादूलियों को छोड़ करके सब वहां एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे लिहाजा इसका फायदा सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में है हमारे आपके आपसी तल्लु के लिए बुनियाद दीन होना चाहिए ख्वाहिश नफ्स नहीं मेरे ख्वाहिश के मुताबिक मामला हुआ तो मैं बहुत ठीक अगर मेरे ख्वाहिश के खिलाफ हो गया तो ठीक नहीं आपसी तल्लु के लिए बुनियाद दीन है मोमिन का भाई है लिहाजा ये खूनी रिश्ते से कहीं ज्यादा रिश्ता है दीनी तो लिहाजा इस रिश्ते की बहाली इस रिश्ते को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है मैं इलाज के पर एक तीन इलाज बता देता पहला इलाज तो यह है कि हम चाहते हैं कि इलाज हो फित खात्मा हो तो क्या करना चाहिए अखलाका लिहाजा हमको दीन की तरफ जो है रुजू करना है कोई भी मसला आ जाए कहा दीन की तरफ चाहे वो फहम के लिए हो फहम के अतबार से अकीदा और इबादत और अखलाक हर मामले में हर एतबार से हमको दीन की तरफ रुजू रुजू करना है हमारे सारे फितरों का खात्मा होगा अल्लाह उसके रसूल की इत अगर हम इसके बावजूद तनाजा करते रहें इख्तलाफ करते रहें तो हवा उखड़ जाएगी कमज़ोर होते जाएंगे दुश्मनों को गलबा मिलेगा आखिरी दूसरी बात यह अद्दावत अला बसी अबहल इमाशाला इसकी वजाहत करेंगे बसीरह बसीरत की बुनियाद पर आपको दावत का काम करना है आज तो पता नहीं मामला ऐसा हो गया है कि हमारे यहाँ वो बसीरा की जगह पर मोबाइल भी आ गया है इंटरनेट भी आ गया है और क्या आ गया है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गईं पता नहीं दसियों दाई भी पैदा हो गए और दावा का, का काम शुरू कर दिया और दावा का, का काम शुरू करते करते मसाइल का हल करना ये असल मौजू था मसाइल पैदा करना मौजू बन गया है मसाइल पैदा करना मौजूद गया बड़े बड़े अहिल हमारे कहाँ-कहाँ के मसाइल कितने कितने मसाइल हल करते रहें बहरहाल अल्लाह उनको जजाय खेर दो काम कर रहे हैं आखिरी बात इतबा सबील मोमिनों के रास्ते को छोड़ करके कोई भी रास्ता इख्तियार नहीं करना है साहबा के रास्ते को छोड़ करके कोई भी रास्ता इख्तियार नहीं करना है लिहाजा अगर हम ये तीन चीजें इलाज के तौर पर अपना लें तो हमारा इंतशार कम होगा अख्तिलाफ का खात्मा होगा और अब मुतहद होकर के जीने वालों में से हो जाएंगे अल्लाह मुझे आप सबको इसकी तोफीक अदा करे व आखिर उदावानबी